That's why I sleep with Reno. हिंदी में बोलो या तेलुगु में चलेगा दोनों में भी चलेगा वैसे मैं पूरे गुरु कृपा से पूरे भारत में घूमता हूँ और गुरु कृपा से पूरे भारत के लोग भी मेरे पास आते हैं लेकिन मेरा एक कहना है आज हमारे प्रवीण महाराज जैसा कार्यक्रम के बारे में बता रहे थे मैं आपको एक कहता हूँ मुझे भोजन अच्छी तरह जानता है मैं मेरे माँ को छोड़कर बाहर निकला ये बड़ी बात है एक जमाने में और तुम्हें एक रहस्य की बात बताओ राम मेरे साथ है आज गुंडू मेरा दोस्त मेरे साथ नहीं है जब हम गणपति का मंदिर बांध रहे थे तो हमारे लिए हमने किशन राव बोधन कर थे 5 रुपये 3 रुपये निकालने के लिए बेटा मेरे पास 1.5 रुपया देना चंदा मंदिर बांधने के लिए जो 1.5 रुपये के लिए मैं कितना मेरे दिल में तकलीफ हुई वो मुझे मालूम मैं पहले से भी एक निष्ठा लेकर देता हूँ भगवान अगर है तो भगवान हमारे ऊपर कृपा करनी चाहिए और हर ब्राह्मण को तपस्या और साधना जब तक नहीं है तब तक वो आगे बढ़ नहीं सकता मैं आज मेरा आश्रम 72 एकड़ में हैदराबाद में है और उसके भी शाखाएं पूरे भारत में हुए गुजरात उड़ीसा सब तरफ पूरे भारत में मेरे शाखाएं हैं मैं आपका बोधन का एक छोटा सा आदमी आप सब लोग मुझे पहचानते हैं मैं आज कहता हूँ कि तुम्हारे में आज हम सब लोग कहते हैं कि आप प्रवीण महाराज जैसे लोग इतने आए तुम्हारे में आकर्षण हो तो सारा संसार हिलेगा तुम्हारे में श्रेष्ठता है तो सारा संसार हिलेगा तुम्हारे में देवत्व है तो सारा संसार हिलेगा कोई तुम्हारा विरोध करने की ताकत नहीं रखता हम इस तरह जीते मैंने मेरे गुरुजी इस तरह जीने की बात कही मैं कभी असमर्थ बात नहीं करता और असमर्थ नहीं रहता इसी बोधन का हूं आप भारत के आज कौन से भी राष्ट्र में बोलो या भारत के बाहर मैं एक फोन पे काम कर सकता हूं मैं आपके सामने खड़ा हूं ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि हमारे में साधना और तपस्याएं चली गई साधना और तपस्या नहीं है हमें किसी को कुछ मांगना नहीं है वो लोग आकर कहे हमारे कार्य को देखकर के मैं तुम्हें देता हूं वो लोग कहें और इसके लिए हमारे को ये करना चाहिए कि हम पहले हमारे में श्रेष्ठता लानी चाहिए हम हमारे घर में देख रहे हैं पत्नी पत्नी पति पत्नी का मुटाव अपने बच्चों से मुटाव बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें क्यों हो रही है हमारे पास देवता आकर्षण देवता वशीकरण और आकर्षण का हम गलत उपयोग करते हैं घर का यजमान जो बड़ा होता था उसमें एक आकर्षण की शक्ति थी और वो अपने घर के सब लोगों को इकट्ठा रखता था आज वो आकर्षण बड़े में चले गया और चले जाने के कारण घर में मनमुटाव है भाई भाई झगड़ रहे हैं बेटा भाई पति पत्नी झगड़ रहे हैं इसका कारण क्या है तो आज यहाँ लाइन लगनी चाहिए मैं ये क्या कहता हूँ आज मैं गुरु पूर्णिमा हुई तो पूरे भारत से 10,000 लोग आए तो इसका मतलब क्या है कि साधना और तपस्या ब्राह्मण के लिए आवश्यक है और जब तक वो नहीं होती तब तक वो कुछ नहीं कर सकता तुम्हारे हम बोलते हैं मैं रोज वेद पढ़ता हूँ मैं वो करता हूँ अरे वेद पढ़ता हूँ तो घर में समस्याएं क्यों है वेद किस काम तक है ये सिर्फ बोलने के लिए वेदान्य वल्लिंचिति चिलकगुड़ा वल्लिसुनि कोडवर वल्लिसुनि श्रेष्ठं कादु वेदम एक अर्थं तत्वानि तेलुसुकोवाली ఆ తత్వం ఎవరికే తెలియదు మా గురుజీ ఒక్కసారి అనేవాడు అరే పిలిస్తే భార్య రాదురా నీకు దేవుడే వస్తాడు అనేది ఇట్లాంటి సమాజం మరి భార్యను పిలిచి చూడు ఏ వస్తా ఉండండి దేవుడే వస్తాడు నీ దగ్గరికి ఆ దేవుడు రావడం చేసే ప్రయత్నం ఏంటిది ప్రయత్నం అంటే నీలో తపస్సు ఉండాలి నీలో శ్రేష్ఠత ఉండాలి ఈ ప్రవీణ్ మహారాజ్ చెప్పే ఈ ఏదైతే ఇక్కడ హాల్ కడతా అంటున్నాడో గురుకృప కనుక ఉంటే మీ ముందర చెప్తున్నా 15 రోజులు ఇక్కడ హాల్ నిలబెడతారు 15 రోజులు మీరు ఎవరు రాకండి ఎందుకు ఈ మాట చెప్తున్నా నేను సామర్థ్యం ఆ మందిరం కట్టడానికి రూపాయి పావులే కూడా నాకు వెళ్ళిపోయి మా నాన్న నాకు తిడుతుండే నేను మా రామ్ ఉన్నాడు ఇక్కడ ఈ రామ్ కాదు రామ్ శాస్త్రి ఆయన తెలుసు వాళ్ళ మందిరానికి ట్యూషన్ పెట్టి నడుచుకుంటూ పోయి చెప్పవచ్చు గౌడి ఇంట్లో కదా అప్పుడు రూపాయి పావులేదు నా దగ్గర ఈరోజు ఆ షాన్ కి సార్ గంజమే మారుతికి మందిరం 125 రూపాయ మీరు పాస్ నికల్నా బహు ముష్కిల్ థా वो दिन भी मैंने देखा है मेरे पिताजी कैसे थे वो भी आप लोग जानते हैं लेकिन आज भारत में कहीं जाऊं कहीं उतरूं लोग पूरे प्रसन्नता के साथ रिस्पेक्ट के साथ बुलाते हैं मैं आपसे यही ब्राह्मणों को निवेदन करता हूं कि आप पहले तपस्यावान बनो साधनावान बनो लोग आपके पीछे खींचे चले आएंगे लोग जरूर आएंगे आपके पास हर पत्नी हर घर की स्त्री अपने में लक्ष्मण विद्या वो रखो कि आपको क्या करना है भगवान की पूजा केवल पानी डालने से नहीं होती भगवान को प्रसन्न करने का विधान है हमारे पास क्यों कहा गया है गणेश जी को तो दुर्वाही चढ़ाओ उनको तुलसी चढ़ाने से विघ्न आते शिव जी को बिल्व ही बता ये हम देवता को प्रसन्न करने का विधान अगर हम जानते हैं तो देवता हमें प्रसन्न करने का विधान बताते हैं हमें कितने लोगों को इसका ज्ञान है हमारे में ये अहम चले जाना चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं समाज जब तक मेरा एक ही उदाहरण है कि आप में तपस्या साधना हो तो आपको कुछ करना नहीं पड़ता बड़े बड़े
का ये बिल्डिंग्स भी आप घंटों में खड़े कर सकते हैं। आप में वो साधना की तपस्या चाहिए, ये मैं आपको प्रार्थना पूर्वक करता हूँ और कहूँ तो आपके सामने मैं उदाहरण, ये भी मेरा दोस्त है जिसने भी मेरे को देखा, बचपन से मुझे देखा, मेरे से पहले इसको नौकरी लगी थी और मेरे से पहले गुंड काम करता था और मेरे पास रुपया निकालना भी इसके बाद मेरे को नौकरी गई। मैं वैसे रेवेन्यू में कमीशन ऑफ रेवेन्यू में काम करा, लेकिन जब से गुरु से मिला मैंने नौकरी छोड़ दी। जंगलों में भी मैंने श्रीशैलम के जंगलों में विद्या हूँ विंध्यावासिनी में गुरु जी के कहने पर साधना की। आज जो ये मेरे पीछा तुम लोग देखते हैं, कभी आपको अगर आपका भाग्य रहा और आपको मेरे पर अभिमान है तो कभी आश्रम आके गुरु पूर्णिमा देखो कि मैं क्या कर रहा हूँ, आपको तब पता चलेगा कि क्या करना है। ये बड़ी बात नहीं है प्रवीण महाराज करें हाल उठाना, आप सिर्फ छोड़ दो। मैं अगर 15 दिन में हाल नहीं उठाया तो मुझे कहना, मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ। हमें सामर्थ्यवान होना जरूरी है। आप कहते हैं अन्नदान के लिए, रोज अन्नदान तो यहाँ होता ही होता है, वैसे आश्रम में रोज 200 लोग करते हैं। मेरे आश्रम में उड़ीसा गुजरात तेलंगाना आंध्र प्रदेश गुंटूर सब तरफ, आज इन्होंने मुझे कहा कि तुमने ब्राह्मण समाज, आज उस गुरु कृपा से जिस गणपति की पूजा मैं करता था बोधन में, उस गणपति की पूजा से मैं आगे बढ़ा। आज जो मैं हूँ, आज मैं कहता हूँ कि यहाँ से निकला हूँ और वहाँ तक पहुँचा हूँ और आज मेरे पास ये सब कुछ है। मैं आपको भी यही एडवाइस देता हूँ, ये एक बड़ा बोलो छोटा बोलो मुझे, कि अपना हमारे में तपस्या रहना जरूरी है और जब तक तपस्या नहीं है हमारे को यही ऐसी तरह मांग के भी घूमना पड़ता या हमारे को कोई लोग नहीं करते, अरे वाड़ा बापनों ने बिलू बोलते, ये नहीं। आज ये बात कोई कहने की शक्ति नहीं रहता, बोलो बोलो मुझे बापनों ने बोल के बता देता हूँ कि मैं क्या चीज़। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि हम साधनात्मक दृष्टि से आगे बढ़ें, हम जरूर ब्राह्मण, हमारी शक्ति क्या है हम संसार को बता सकते हैं। इस गुरु पूर्णिमा में मैंने